हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल फोन फिक्स हैदराबाद। दोस्तों, जैसे आपने थंबनेल देखा होगा और देखकर समझ गए होंगे, आज मेरे पास एक 5G हैंडसेट है जो कि अभी डेड कंडीशन में है और अभी मैंने DC से इसको चेक किया तो ये लीकेज कंडीशन में है। तो स्टेप बाय स्टेप देखेंगे, मेरे साथ बने रहिए। यहाँ पर दिखाना चाहूँगा मैं, ये देख सकते हैं इसमें डुअल बैटरी है, एक बैटरी यहाँ पर लगती है इसकी और दूसरी बैटरी इसकी इस साइड में लगती है। तो फ्रेंड्स, इसमें ये देख सकते हैं नेटवर्क सेक्शन में शील्ड पतरा वगैरह निकला हुआ है, बट पावर सेक्शन में इसमें किसी ने काम नहीं किया है। ये देख सकते हैं सारा कुछ पैक है, सील्ड है। और अगर मैं पीछे CPU साइड भी बताना चाहूँ आपको तो एक बार ये भी बता देता हूँ बैक साइड में भी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं MediaTek का 6877 सीरीज का CPU लगता है। 5G CPU 6800 होता है और 4G CPU 67 सीरीज से आता है। ये इसका UFS है, आप देख सकते हैं। बट इधर साइड भी इन्होंने कोई काम नहीं किया है, पूरा शील्ड पतरा हुआ लगा हुआ है जैसे कि आप देख सकते हैं। तो अब स्टेप बाय स्टेप हम इसको चेक करेंगे। तो सबसे पहले इसमें दो बैटरी है, तो इसका जो राइट साइड का बैटरी होता है ये इसका मेन बैटरी होता है, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है NC इस तरीके से। और लेफ्ट साइड में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे भी ग्राउंड NC इस तरीके से लिखा हुआ है। तो ये राइट साइड का जो है हमारा मेन कनेक्टर होता है बैटरी का, तो यहीं पर हम DC को कनेक्ट करते हैं। और कनेक्ट करके ये देख सकते हैं मैंने ये बेल्ट लगा दिया है और ये भी लगा लेंगे। और चार्जर लगा कर भी चेक करते हैं, तो यहाँ पे मैं चार्जर इसमें लगा रहा हूँ। तो DC में देख सकते हैं आप, यहाँ पर हमारे जो DC पोर्ट है हमारा 6-पिन का जो चार्जिंग स्कीमेटिक पोर्ट होता है, इसमें कोई भी एम्पियर लिफ्ट नहीं कर रहा है। अभी मैं यहाँ पर बैटरी कनेक्ट करूँगा तो यहाँ पर देख सकते हैं, इधर बताना चाहूँगा दोनों साइड बैटरी कनेक्ट कर रहा हूँ मैं, तो ये देख सकते हैं यहाँ पर 0.7 का आपका मिली एम्पियर ले रहा है। बट फ्रेंड्स, इसमें मोबाइल को अगर मैं ऑन करने की कोशिश करूं तो एक बार DC कनेक्ट करके मैं आपको बता देता हूं या नॉर्मल भी कनेक्ट करके बताता हूं। ये देख सकते हैं यहां पे ये मोबाइल डेड कंडीशन में है, और अगर मैं यहां पे DC कनेक्ट कर दूं तो इस तरीके का हमको ये वाला बैटरी का कनेक्टर मिलता है। तो ये वाला कनेक्टर लगाते हैं और एक बार ऑन करके भी चेक करते हैं, तो प्लस इसका AC साइड होता है। तो देख सकते हैं DC में ऑटो मिली एम्पियर ले रहा है कुछ, तो इसको एक बार मैं ऑन करके भी बताना चाहूँगा यहाँ से। तो देख सकते हैं कोई भी यहाँ पर कंज्यूम नहीं हो रहा है, 0.030 इस तरीके से लो बूटिंग ले रहा है। तो इसको हम स्टेप बाय स्टेप चेक करेंगे, क्या करना है, कैसे चेक करना है, सारा चीज़ आपको बताएंगे। तो वीडियो पर एंड तक देखिए, बने रहिए, स्टेप बाय स्टेप चेक करेंगे, कूल टेस्टिंग करेंगे, हॉट टेस्टिंग करेंगे, सारे पतरे वगैरह निकालेंगे, देखते हैं कहीं पर क्या हमको शॉर्टिंग मिलती है। चलिए वीडियो पूरा एंड तक देखिए। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले यहाँ पे कूल टेस्टिंग कर लेते हैं मदरबोर्ड में बैटरी कनेक्टर की, जो कि हमारा मेन बैटरी कनेक्टर है। मल्टीमीटर को रखेंगे बीप रेंज में, बजर रेंज में। तो यहाँ पे रेड प्रोब ग्राउंड करते हैं, तो इस साइड तो इसका ग्राउंड पिन है और ये वाले में देख सकते हैं जो VBAT की सप्लाई होती है हमारी 300 के आसपास वैल्यू मिल रही है। और अगर इसको मैं ग्राउंड कर दूँ और अगर रेड से चेक करूं फॉरवर्ड बायस में, तो 500 के आसपास वैल्यू मिल रही है, जहां पे आपको कुछ भी वैल्यू नहीं आनी चाहिए या फिर 1000 के ऊपर आनी चाहिए, बट यहां पे ये लीकेज कंडीशन शो हो रहा है। हमने DC से भी देखा था, DC में भी ऑटो एम्पियर ले रहा था 0.03 ऐसा लो बूटिंग, और यहां पे भी हमको कुछ लीकेज मिला है। तो ऐसा लीकेज जब मिलता है फ्रेंड्स आपको, तो होता क्या है, इसमें काफ़ी सारी जो सेकेंडरी लाइन होती है हमारी या फिर प्राइमरी लाइन होती है, तो यहाँ पर आपको शॉर्टिंग मिलती है। काफ़ी बार VBAT की लाइन भी लीकेज हो सकती है या फिर आपका VPH भी शॉर्ट हो सकता है। तो चलिए इसमें एक बार कूल टेस्टिंग कर लेते हैं, इस वाले बैटरी कनेक्टर को भी चेक कर लेते हैं। यहाँ पे 400 के आसपास वैल्यू मिल रही है, और अगर से फॉरवर्ड में चेक करते हैं तो कोई GR नहीं है, मतलब ये हमारी लाइन ओके है। तो इसके अलावा फ्रेंड्स हम देखते हैं यहाँ पर कुछ कॉम्पोनेंट मुझे प्रॉब्लमेटिक लग रहे हैं, एक बार देख लेते हैं। यहाँ कुछ कॉम्पोनेंट निकाला है इन्होंने, बट यहाँ पर कोई शॉर्टिंग नहीं है, देख सकते हैं 500 के आसपास GR मिल रहा है, 580 के आसपास। आपको फटाफट चेक करना है क्या कहीं कोई कैप शॉर्ट मिल रहा है क्या। ये LDO के पास भी देख लेते हैं, इनपुट ये कैप रहेगा, आउटपुट ये, यहाँ भी कोई शॉर्टिंग नहीं है। यहाँ पे एक बड़ा सा कैप है, थोड़ा सा काला काला लग रहा है, तो यहाँ पे 610 और पलटा के प्रोब भी चेक कर लेता हूँ मैं, तो 900 के ऊपर आ रहा है, मतलब ये भी वैल्यू मेरा ठीक है। अब फ्रेंड्स हम यहाँ पे ऊपर साइड देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी कुछ कॉम्पोनेंट मुझे प्रॉब्लमेटिक लगे हैं, बट यहाँ पे कोई शॉर्टिंग नहीं है, देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे कुछ कॉम्पोनेंट्स निकले हुए हैं, तो
तो हो सकता है शॉर्टिंग होने के कारण निकाला होगा या जलने के कारण इन्होंने निकाला होगा। काला काला सा हो चुका है यहाँ पर, तो ये ग्राउंड पिन है। यहाँ पे तो हमको वैल्यू मिल रहा है, तो ये ग्राउंड पिन है इसका, ये हमको वैल्यू मिलता है। जैसे कि आपको पता ही होगा 4 नंबर पिन इसका इनपुट सप्लाई होता है और 1 नंबर इसका आउटपुट होता है। तो आउटपुट में भी अगर बात करूँ तो ये देख सकते हैं यहाँ पर कोई GR मुझे नहीं मिल रहा है। चलिए आ गया GR 600 के आसपास, ठीक है। यहाँ पे भी कोई कैप शॉट नहीं है जैसा कि आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स इस साइड में तो कोई शॉटिंग नहीं है। चलिए नेटवर्क सेक्शन में हम PA वगैरह के पास चेक कर लेते हैं कहीं कोई लाइन शॉट तो नहीं है हमारी। चलिए यहाँ पे भी कोई शॉटिंग नहीं, ये हमारा RFIC होता है जैसा देख सकते हैं, MediaTek का MT6190MV, ये लेटेस्ट इसका RFIC है। तो इसमें तो VPChat लाइन जाती भी नहीं है, तो वो यहाँ पे आपको शॉटिंग नहीं मिलेगा। यहाँ पे का IC टूटा हुआ लग रहा है, ये देख सकते हैं थोड़ा सा शील्ड वगैरह निकालने के टाइम पे यहाँ पे भी इन्होंने ये तोड़ दिया है IC को, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो चलिए एक बार फीचर साइड भी हम चेक कर लेते हैं, उसके बाद हम ये शील्ड वगैरह निकालेंगे और निकाल कर चेक करेंगे। यहाँ पे तो सारे पतरे हुए लगा हुए हैं, यहाँ पे भी चेक कर लेते हैं एक बार, तो कोई शॉर्टिंग नहीं है क्योंकि यहाँ पे तो आपका सेकेंडरी लाइन आती है पावर IC से, LDO सप्लाई बक सप्लाई आती है। हमको जो डॉट है फ्रेंड्स कोई एक सप्लाई ऐसी होगी जो कि शॉर्ट हो चुकी है लाइन। अब हमको देखना है VPS सप्लाई, तो यहाँ पे फ्रेंड्स सारा पतरे लगे हुए हैं इस साइड में, और इस साइड में भी अगर बात करूँ तो यहाँ पे भी सारा शील्ड वगैरह लगा हुआ है। तो हम कटर से इसको निकालेंगे, देख सकते हैं 70 के आसपास GR मिल रहा है, और अगर प्रो पलटा दूं तो यहाँ पे रिवर्स में आपको GR मिल रहा है, ये देख सकते हैं। हो सकता है बक सप्लाई भी हो, चलिए कोई बात नहीं यहाँ पे। तो अब हम क्या करेंगे फ्रेंड, मेन ये देखते हैं इसकी चार्जिंग AC कहाँ पे लगी है। तो ये चार्जिंग AC देखते हैं, ये शील्ड थोड़ा सा यहाँ नीचे है, हो सकता है चार्जिंग AC इसकी यहाँ नीचे लगी हो या फिर बैक साइड लगी हो। तो ये शील्ड हमको निकालना होगा, रिमूव करना होगा, उसके बाद देखते हैं क्या। तो शील्ड निकालने के लिए आपको ये देख सकते हैं यहाँ से आहिस्ता आहिस्ता से हम शील्ड निकालेंगे। लास्ट तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमने इसका शील्ड निकाल लिया है। सबसे पहले ये कंफर्म करेंगे, ये देख सकते हैं फ्रेंड्स पानी जा करके बोर्ड का क्या कंडीशन हो चुका है, मैं जूम करके आपको बताना चाहूँगा, शायद दिख रहा होगा आपको। तो यहाँ पे पूरा पानी जा चुका है, देख सकते हैं। इसके अलावा ये देख सकते हैं ये इसका मेन पावर AC है, ये हीट रेसिस्टेंस टेप हटा देते हैं। उसके बाद अगर आप देखोगे तो ये देख सकते हैं ये पूरा पानी वाटर डैमेज सेट है, यहाँ पे पूरा पानी जा चुका है, और यहाँ पे भी देख सकते हैं पूरा वाटर डैमेज है। तो ये देख सकते हैं ये सारा कुछ आपको दिख रहा होगा क्लियर, तो यहाँ पे भी पानी गया है, यहाँ पे भी पानी है, और एक बार इसको रिमूव कर लेंगे। तो किन किन ICO में पानी गया है सारा अच्छे से देखना है आपको, ये देख सकते हैं ये कॉयल भी पूरे जंग आ चुके हैं पानी जा करके, ये देख सकते हैं इस IC के नीचे भी वाटर डैमेज हो चुका है। यहाँ जो IC लगा है फ्रेंड्स MT6360, ये इसका मेन चार्जिंग AC होता है, तो ये इसका मेन चार्जिंग AC है, और हो सकता है यहाँ पर ग्राफिक वगैरह के लिए IC यूज़ किया हो। ये एक सेकेंडरी पावर IC होता है, इसमें MT6315 ये यूज़ किया गया है, बक सप्लाई बनाते हैं। दो ICAँ इसमें यूज़ करते हैं,
यहाँ पे भी देख सकते हैं। तो वाटर जो दिख रहा है फ्रेंड्स हमको, ये देख सकते हैं कंपोनेंट पूरी तरीके से जल चुका है। तो चलिए एक बार कूल टेस्टिंग कर लेते हैं यहाँ पर भी। तो मल्टीमीटर को बीप रेंज में ही रखते हैं, ब्लैक प्रोब से चेक करेंगे, रेड प्रोब ग्राउंड कर देंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं 350 के आसपास जी आर, यहाँ पे भी जी आर, यहाँ पे भी जी आर, पानी गया है बट अभी भी जी आर हमको मिल रहा है। देख सकते हैं यहाँ पे शॉर्टिंग नहीं है बट पानी जा चुका है। अब हम आते हैं इस साइड में, ये कंपोनेंट तो हमने पहले ही चेक किए थे, अब हम चेक करेंगे ये वाले कैपेसिटर रेजिस्टर्स को। देख सकते हैं यहाँ पे भी हमको जी आर मिल रहा है 300 के आसपास, इस रजिस्टर पे भी मिल रहा है हालांकि काला हो चुका है। ये देख सकते हैं यहाँ पे कोई जी आर नहीं, यहाँ पे जी आर मिल चुका है। अब ये देखते हैं कि ये पावर एसी के पास जो पानी गया है इसमें क्या कोई लाइन शॉर्ट हो चुकी है। 350, 350 शॉर्टिंग अभी भी नहीं मिली बट हमको पानी तो जो गया है इस एसी में 100% फुल शॉर्ट तो नहीं बता रहा है यहाँ पर कहीं पे भी। चलिए थोड़ा सा और आगे देखते हैं, यहाँ पे भी कुछ कंपोनेंट है तो यहाँ पे भी कोई पानी पानी तो गया है बट कोई भी शॉर्टिंग नहीं है। तो एक बार मैं रिवर्स में भी चेक करता हूँ यहाँ पर, तो देख सकते हैं वही वैल्यू हमको यहाँ मिल रही है 5.5 फॉरवर्ड में भी मिल रही है और रिवर्स में भी अगर देखूँ तो वो जो बैटरी कनेक्टर पे हमको वैल्यू मिल रही थी वैसा ही वैल्यू यहाँ पे मिल रहा है। तो एक बार हम इसको अच्छे से पूरा क्लीन करेंगे, क्लीन करके चेक करेंगे मदरबोर्ड में क्या कहीं और शॉर्टिंग है क्या। तो इस साइड में वाटर हो सकता है, इस तरफ भी हो गया हो, यहाँ पे भी कोई क्रिस्टल वगैरह का आईसी होता है, हो सकता है इसमें भी गया हो। तो सबसे पहले क्लीन कर लेते हैं, मदरबोर्ड को अच्छे से देख लीजिए आप, अभी तक कोई काम किया हुआ नहीं है, पूरा वाटर डैमेज है, सड़ा हुआ है। चलिए क्लीन करते हैं और फिर वीपीएच लाइन में भी देखते हैं। अभी जो हमने पावर के आसपास देखी वीपीएच लाइन में भी हमको कोई शॉर्टिंग नहीं मिली यहाँ पर, हो सकता है वाटर डैमेज के कारण लीकेज में जा चुका है ये। और इस साइड भी क्लीन कर लेते हैं, हो सकता है बैक साइड सीपीयू एमएमसी में भी पानी जा चुका हो सीपीएमसी के पास, तो अंदर तो नहीं गया होगा। बोर्ड को अच्छे से वॉश करना है आपको, कंपोनेंट कोई भी वाटर के साथ नहीं रहने, क्योंकि हो सकता है पावर एसी भी रिवॉल्व करनी पड़े इसमें हमको, हो सकता है पावर एसी भी चेंज करनी पड़े। देखते हैं पहले क्लीन तो कर लेते हैं अच्छे से, तो यहाँ पे हमारा पानी जा चुका था और इस छोटी वाली आईसी में वाटर गया था हमारा। तो सबसे पहले हम इस आईसी को बाहर निकालते हैं और इस एसी को बाहर निकाल कर अच्छे से क्लीन करेंगे और रिवॉल्व करके हम लगाएंगे वापस। तो उसके लिए थोड़ा सा हम यहाँ पर फ्लक्स अप्लाई कर लेते हैं,
एयर यहाँ पे 2 पे रखता हूँ मैं, और हीट रखता हूँ 350 के आसपास, 350 360 के आसपास। तो यहाँ पे पावर एसी देख सकते हैं, पीसीबी मैंने क्लीन किया है, बट एक बार कंपोनेंट यहाँ पे अभी भी मुझे काला काला से लग रहे हैं, यहाँ से इसको रिमूव करता हूँ मैं पहले। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स आप, यहाँ पे कुछ कंपोनेंट जो है हमारे थोड़े काले से हैं, इसको रिमूव कर देते हैं। अब ये रजिस्टर है, ये कैपेसिटर है, जो नीचे वाला है उसको एक बार चेक कर लेंगे। मल्टीमीटर को बजर रेंज में रख लेते हैं, देख सकते हैं यहाँ पे वैल्यू आ रही है, और इस साइड में भी वैल्यू आ रही है, मतलब ये रजिस्टर लगा हुआ है यहाँ पर, इसको आपको रिमूव नहीं करनी है, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पे 350 वैल्यू आ रही है GR, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे देखते हैं जो पानी गया था हमारा, ये छोटी सी IC है, चलिए कोई नहीं। और यहाँ पे कैप को चेक कर लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे भी 1000 वैल्यू आ चुकी है। अब हम एक बार बैटरी कनेक्टर पे देखते हैं, जो रिवर्स फॉरवर्ड में, सबसे पहले रिवर्स में देख लेते हैं, 250 का GR आ रहा है, एक बार फॉरवर्ड में भी चेक करते हैं। अभी भी यहाँ पे फ्रेंड्स कम वैल्यू आ रही है, 500 के आसपास, थोड़ा 800 900 1000 के आसपास वैल्यू आनी चाहिए, मतलब अभी भी यहाँ पे कुछ वीबैट लाइन में प्रॉब्लम है। तो इसकी जो वीबैट लाइन रहती है हमारी, इस IC के साथ कनेक्ट होती है, तो वीबैट की लाइन में हम देखते हैं यहाँ पे कोई कंपोनेंट हमको मिलते हैं क्या यहाँ। ये देख सकते हैं, ये इसका मैंने एक वीबैट पे रखा है प्रो, और दूसरा इस IC के पास, मतलब ये हमारा कैप जो है वीबैट का कैप है, जो कि यहाँ तो 300 वैल्यू आ रही है, बट रिवर्स में चेक करते हैं तो 500 के आसपास GR आ रहा है। अब हम ये हमारी जो मेन चार्जिंग IC है MT6360, इसको रिमूव करेंगे, और इसको रिमूव करके चेक करते हैं वीबैट की हमारी जो शॉर्टिंग है वो रिमूव होती है कि नहीं। हमारा लीकेज यहाँ पे देख सकते हैं, कोई लीकेज नहीं है। तो चलिए अब हम क्या करेंगे, दोनों ICओं को हमारे रिवॉल्व करेंगे, चार्जिंग IC को और पावर IC को, उसके बाद डालेंगे। तो सबसे पहले हम चार्जिंग IC डाल देंगे, सबसे पहले चार्जिंग IC डालेंगे। तो नोज कट पॉइंट के हिसाब से आपको डालना है, या फिर डिजाइन देख के डालिए आप। तो 4 के बाद यहाँ पे है, इस तरीके से डालेंगे यहाँ पर, और जो VPH को तो चार्जिंग AC हमने डाल दी है, और डालने के बाद यहाँ पर पावर AC है, इसको भी डाल देते हैं फटाफट। चार्जिंग का पत्ता लगाएंगे और चार्जिंग केबल लगाएंगे, क्या कोई वोल्टेज बन रहे हैं, तो वोल्टेज चेक करने ब्लैक प्रोब ग्राउंड करेंगे और रेड प्रोब से चेक करेंगे। तो मल्टीमीटर को DC 20 में रख लेते हैं, देखिए एक एक साइड वोल्टेज आ रहा है अपने को, 1 वोल्टेज के आसपास आ रहा है, यहाँ पे हमको 4 वोल्टेज मिल गया है देख सकते हैं, यहाँ पर भी हमको 4 वोल्ट मिल गया,
मतलब वीपीएस वोल्टेज तो जनरेट हो रहा है इसमें, ये देख सकते हैं 4 वोल्ट हमको आ रहा है। और यही चीज़ हम यहाँ पे भी कैप के पास भी कंफर्म कर सकते हैं, आहिस्ता से यहाँ पे चेक करेंगे 4 वोल्ट मिल रहा है, और इस साइड में थोड़ा सा 8 वोल्ट कैसे मिलेगा ये देख सकते हैं, ये भी मिल रहा है, मतलब बूट वोल्टेज भी मिल रहा है, ये भी मिल रहा है, और पावर आईसी के पास भी हमको वीपीएस जनरेट हो चुका है, ये भी हमको मिल रहा है। और थोड़ा सा इन आईसीओ के पास भी चेक कर लेते हैं क्या कोई वोल्टेजेस मिल रहे हैं, यहाँ पे भी वीपीएस मिल रहा है, और यहाँ पे देखते हैं। अच्छा ये वाली आईसी हमारी शॉर्ट हो चुकी, मतलब पानी जा चुका था, इसमें एक बार देखते हैं, यहाँ पे कोई वोल्टेज नहीं, यहाँ पे भी कोई वोल्टेज नहीं, यहाँ पे देखते हैं, यहाँ भी कोई वोल्टेज नहीं, यहाँ पे देख सकते हैं 3.5 मिल रहा है, यहाँ पे 1 वोल्ट 3.5 मिल रहा है, यहाँ पे 2 वोल्ट, मतलब यहाँ तो वोल्टेजेस आ रहे हैं सारे, यहाँ पे भी 2 वोल्ट, मतलब हमारा एलडीओ सप्लाई बक सप्लाई यहाँ पे बन रहा होगा। अगर बात करें ये देख सकते हैं 0.5 बन रहा है, और इस कैप पे चेक कर लेते हैं इसकी 2 वोल्ट इसके बन रहे हैं, और इस कैप पे इसकी वोल्टेज चेक कर लेते हैं इसके भी 2 वोल्ट बन रहे हैं, मतलब दोनों हायर एलडीओ होंगे ये। यहाँ पे चेक कर लेते हैं, यहाँ पे कोई वोल्टेज नहीं, इस साइड देखते हैं 0.8 बन रहा है, देख सकते हैं यहाँ पे भी बन रहा है, ये मॉडम की सप्लाई हो सकती है, 0.7 यहाँ पे भी बन रहा है, मतलब हमारे जो बक वोल्टेजेस है सारे बन रहे हैं, कोई इश्यू नहीं है इसमें, मतलब वोल्टेजेस तो सारे बन रहे हैं। ये देखिए 1.3 लोअर एलडीओ होगा, ये 1.3 लोअर एलडीओ, हायर एलडीओ सारा इसमें बन रहा है, एपीसी का सप्लाई भी बन रहा है, ये देख सकते हैं, ये वीपीएच भी हमारा सही है, और कुछ ग्राफिक और कोर की सप्लाई इन कैपेसिटर्स पे बनती है, ये देख सकते हैं 0.8 की फ्लक्चुएशन, तो यहाँ पे देख सकते हैं 4 वोल्ट, यहाँ पे देखते हैं एक कोर और ग्राफिक और कुछ मॉडेम की सप्लाई बनती है इसमें से आईसीओ में, तो यहाँ पे इन आईसीओ के बारे में हम आगे आपको बताएंगे। ये छोटे छोटे आईसीओ जो होते हैं मीडियाटेक में, ये मेन पावर तो ये है इसका 6365 और 6360 इसकी चार्जिंग आईसी, और ये जो होती है सपोर्टिंग पावर आईसी है जो कि कुछ कोर की सप्लाई बनाती है, कुछ ग्राफिक के लिए बनाती है, और आपको एग्जैक्टली इसमें देखना है तो सारा इसका डायग्राम डाटा शीट खोलेंगे तो ये सारे कॉइल की वैल्यू अपन निकाल सकते हैं किस चीज के लिए। तो दोस्तों वोल्टेज तो यहाँ पे सारा बन रहा है, तो चलिए अभी बोर्ड को फोल्डर में फिट करते हैं और ऑन करके देखते हैं क्या हमारा सेट ऑन होता है कि नहीं, क्योंकि अभी हमारे जो वोल्टेज सारे प्राइमरी वोल्टेज सारे बन चुके हैं, बक एलडीओ और हमारा वीपीएस सप्लाई भी यहाँ पे बन रहा है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स ये वाटर डैमेज की वजह से हमारा मोबाइल ऑन नहीं हो रहा था, लीकेज कंडीशन में जा चुका था, जैसे कि आपने देखा डीसी टू डीसी और पावर एसी दोनों हमने निकाल के रिवॉल्व किया है, किसी किसी केस में चेंज भी करना पड़ सकता है। तो यहाँ पे मैंने बैटरी लगा लिया है, जैसे कि देख सकते हैं दोनों बैटरी लगाना ज़रूरी है तभी जा कर के आपका फ़ोन ये ऑन होगा। तो यहाँ पे हम चार्जर लगा लेते हैं और अभी चेक करते हैं क्या हमारा डिस्प्ले पे कुछ लोगो वगैरह आता है या परसेंटेज वगैरह शो होता है नहीं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रेंड्स अभी चार्जर लगा लिया है हमने, तो ये देख सकते हैं फ्रेंड्स हमारा हैंडसेट पे ऑन हो चुका है, अभी यहाँ पर चार्जिंग का लोगो वगैरह भी आकर चला जाएगा। और वीडियो हमने कोशिश की है कम से कम समय में आपको समझाने की, और अगर अच्छे से अगर आपको सीखना है ये देख सकते हैं मोबाइल हमारा ऑन हो जाएगा, अभी पावर की से ऑन कर लेंगे। तो वीडियो अच्छा लगा तो फ्रेंड्स ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और अपना प्यारा सा कमेंट ज़रूर दें। नेक्स्ट बैच 15 अप्रैल से है, अगर बेसिक टू एडवांस अगर आपको सीखना है या पर्सनल ट्रेनिंग भी आपको लेनी है तो कॉल करिए डिस्प्ले पर दिए गए नंबर पर। और इस तरह के और भी वीडियोस अगर देखना चाहते हैं तो जरूर नीचे कमेंट करके बताइए, बहुत ही डिटेल में और भी वीडियो हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। चलिए फ्रेंड मिलते हैं इस तरह से किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।